अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली $1750 के ऊपर बंद हुआ है। मंडे गोल्ड तकरीबन $1750 के आसपास ही जो है ओपन हुआ था। एक थोड़ा सा रेंज बाउंड सा मार्केट था गोल्ड प्राइसेस का लास्ट वीक। दो दिन तो थैंक्सगिविंग में ही निकल गए, थर्सडे एंड फ्राइडे। बाकी भी ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। इनफैक्ट गोल्ड ने तकरीबन 1725 के लोज बनाए थे इस वीक, लेकिन वापस से बाउंस दिया और 1755-56 के आसपास के हाईस भी बनाए। लेकिन इस सारा का सारा मामला जो है गोल्ड ने लेस देन 24 आवर्स में कर दिया था। जब गोल्ड का डेटा आया था तभी एक छोटा सा स्पाइक, और एक स्पाइक बना था $1727-25 के आसपास। उसी टाइम गोल्ड ने तकरीबन 1735-40 तक के उसी आवरली कैंडल में तो गोल्ड ने तकरीबन 1740 का हाईस बना दिया था। रेंज में देखने जाओगे तो आपको जरूर दिखेगा कि गोल्ड ने 1725 का लोज बनाया है। बट अगर आप मार्केट देख रहे थे उस टाइम तो आपको पता रहेगा कि कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ही गोल्ड 1730 से नीचे गया था, उसके बाद गोल्ड प्राइसेस ऊपर आ गए। मोर और लेस एक बहुत ही रेंज बाउंड वीक था पिछला वीक जो था हमारा। ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं, ज्यादा कुछ एक्शन इसलिए भी नहीं हुआ बिकॉज थैंक्सगिविंग मैंने आपको बताया था, मार्केट कॉमेंट्री में भी बताया था, वीडियोज में भी बताया था, यही कि गोल्ड प्राइसेस थोड़े से स्टेबल रह सकते हैं, थोड़े से रेंज बाउंड रह सकते हैं बिकॉज थैंक्सगिविंग बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यूएस के अंदर। बहुत सारे लोग जो क्रिसमस में छुट्टी नहीं लेते हैं वो थैंक्सगिविंग में छुट्टी लेते हैं। अभी अगला वीक है जिसमें मेजर एक्शन होगा। क्यों होगा? एक तो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, और उसके साथ साथ कोर पीसी इंडेक्स भी आएगा। कोर पीसी इंडेक्स वही नंबर्स है जिसको फेडरल रिजर्व देखता है इन्फ्लेशन के टेस्ट की तरीके से। जैसे कि नॉर्मली अगर हम अपने आप को, हम लोग अगर इन्फ्लेशन को रेफर करेंगे कि इतनी परसेंट इन्फ्लेशन है, तो हम लोग CPI नंबर देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन अगर आप फेडरल रिजर्व जो है वो CPI नहीं देखता है, वो कोर PC इंडेक्स नंबर देखता है। तो कोर PC इंडेक्स नंबर है, नॉन फार्म पेरोल नंबर है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। साल का ऑलमोस्ट लास्ट है ये, साल का लास्ट नॉन फार्म पेरोल नंबर है, नॉन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही फेडरल रिजर्व का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एक दो हफ्ते बाद, और लास्ट हमारा साल बचा है। अब 15-16 तारीख तक हमारा जो है वॉल्यूम थोड़े स्टेबल रहेंगे, उसके बाद वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगेंगे बिकॉज हॉलीडे सीजन शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी मार्केट में पोजीशन ले रहे हो, मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रांग स्टॉप लॉस। अब ये वाला महीना थोड़ा सा, एक तो रेंज बाउंड रहता है, वॉल्यूम्स कम रहती हैं, वॉल्यूम कम की वजह से बर्स्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा आने की चांसेस रहते हैं दिसंबर के अंदर। बर्स्ट मूवमेंट मतलब जैसे कि अभी 1725 वाला मूवमेंट आया था, कुछ सेकेंड के लिए मार्केट नीचे ऊपर गया, फिर वापस से स्टेबल हो गया और एक रेंज में काम कर रहा है। स्टेबल होना और एक रेंज बाउंड में काम करना मोर और लेस, ध्यान रखिएगा, बर्स्ट मूवमेंट्स आने के लो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो पिछला हमने मूवमेंट देखा था पिछले हफ्ते, वो डेटा की वजह से था, नॉट बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम। अब दिसंबर में लो वॉल्यूम की वजह से बर्स्ट मूवमेंट ज्यादा हो सकते हैं, तो मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रांग स्टॉप लॉस बिकॉज कभी कभी बर्स्ट मूवमेंट वापस नहीं आते हैं। जैसे कि 1727-28 के आसपास का लो बना के वापस आ गया गोल्ड, समटाइम यू डोंट गेट अ चांस। 1727-28 का सपोज लो बना और फिर वो 1720 के आसपास काम कर रहा है आगने वाले दो तीन दिन, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, बर्स्ट मूवमेंट होने के दिसंबर जनवरी में बहुत चांसेस रहते हैं। कोई भी पोजीशन ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ रहिएगा। बाकी कुछ भी, कल सिल्वर ने लो बनाया था $20.16 $21.16 के आसपास। मार्केट कॉमेंट्री में मैंने आपको बताया था कि 21:15 सुबह ही बता दिया था मॉर्निंग में कि 21:15 जो है हमारा ट्रेंड डिसाइडर है, और मार्केट ने कल बाउंस किया 21:16 से। गोल्ड में बताया था $1745 के आसपास का हमारा ट्रेंड डिसाइडर है। जो आप वीडियो में लेवल देखते हो वो होता है एक सपोर्ट, मार्केट कमेंट्री में मैं एक और लेवल देता हूँ ट्रेंड डिसाइडर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके नीचे मार्केट जबरदस्त क्रैश होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो मार्केट कॉमेंट्री में आता है ट्रेंड डिसाइडर। गोल्ड में ट्रेंड डिसाइडर दिया था 1745 का, 1746 से बाउंस हुआ। ध्यान रखिएगा, मार्केट कॉमेंट्री में बेटर अपडेट्स आते हैं, ज्यादा अपडेट्स आते हैं। मार्केट कॉमेंट्री फाइनली अब जो आउट ऑफ इंडिया है उन लोगों के लिए भी शुरू हो जाएगी,
मैं एक दो दिन में ज्वाइन का बटन इनेबल कर दूंगा मार्केट कमेंट्री के लिए। ज्वाइन बटन दबा के आप कम्युनिटी पोस्ट में मार्केट कमेंट्री चैनल देख पाओगे। अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन लगा रखे तो आपको एवरी टाइम आई अपडेट ऑन मार्केट कमेंट्री चैनल यू विल गेट एन ईमेल। तो इंडिया वाले जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया वाले ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं एक दो दिन बाद से। आई विल अपडेट वीडियोज में कि मैंने अनेबल कर दिया है कि नहीं है। चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन ले सकता है। बाकी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके वीडियो आगे बढ़ाइएगा। नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे इनफैक्ट वीडियोस डालता हूँ कमोडिटी की। चले चलते हैं। तो ये है हमारा गोल्ड का चार्ट, ये है फ्राइडे का कैंडल, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूजडे और मंडे। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था तकरीबन 1750, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 1754 के आसपास की क्लोजिंग दी है। ये जो आपको स्पाइक दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने अभी बताया सिर्फ कुछ देर के लिए ही मूवमेंट आया था, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया था और हाईज बनाया उसके बाद 1760-61 डॉलर के आसपास। फ्राइडे के हाईज ने 1761 डॉलर के बाद तकरीबन 1754 डॉलर के आसपास गोल्ड बंद हुआ है। गोल्ड में ज़्यादा कुछ टेक्निकल चेंज नहीं हुआ है चार्ट के फॉर्मेशन में, बिकॉज ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है। अगर हाँ इसके नीचे की कैंडल बन जाती तो शायद हमारे चार्ट के अंदर कुछ शायद टेक्निकल अपने को चेंज करना पड़ता। फिर भी अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने से पहले अगले हफ्ते के मेजर डेटा पे नज़र डालते हैं, बिकॉज अगले हफ्ते होने वाला है एक्शन। मंडे ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है और FOMC के मेंबर की भी स्पीच है, दो मेंबर्स की स्पीच है, ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे अपना बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है। वेडनेसडे भाई साहब एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं, यूरोप की इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वेडनेसडे 3:30 बजे के आसपास यूरोप के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, 7 बजे GDP नंबर्स आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। उसके बाद जॉब ओपनिंग्स आएंगे, पेंडिंग होम सेल्स आएंगे। उसके बाद थर्सडे यानी कि वेडनेसडे की आधी रात को फेड चेयरमैन की स्पीच भी है, जैसे कि मैंने बताया था बहुत एक्शन होने वाला है, अगले हफ्ते रखिएगा ध्यान। फिर थर्सडे कोर PCE इंडेक्स के नंबर्स भी आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइम मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको। उसके बाद पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग नंबर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं। फ्राइडे को भी बहुत एक्शन होगा क्योंकि फ्राइडे है एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल नंबर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखेंगे कि क्या नंबर्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल नंबर्स हैं, बिकॉज फेडरल रिजर्व विल बी वॉचिंग वेरी क्लोजली। तो अभी ये आ गया हमारा गोल्ड का चार्ट, जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा कुछ टेक्निकल टर्म में चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर चेंज ही नहीं हुआ है, बस एक यहाँ से लेके यहाँ तक ही मार्केट चली है। ये तो थोड़े से हाईज और थोड़े से लोज बने, ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर हुआ नहीं है। तो आज इस हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या। वैसे MCX का वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा अभी मार्केट कमेंट्री वाले। 1698 का सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा 1698 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, हम वीकली एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो इसके नीचे क्लोजिंग होना ज़रूरी है अगर हमारा कंडीशन ट्रिगर होना है। तो 1698 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 1650 और 1610, यानी कि जो 1610 की ये सपोर्ट बनी है बहुत मेजर सपोर्ट, ये भी टेस्ट हो सकती है 1698 के नीचे। 1805 का हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है 1850 और 1900 की तरफ गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं। अब हम ईयरली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ईयरली क्लोजिंग गोल्ड क्या देता है, दैट वुड बी क्रूशल, बिकॉज अगले साल से जो है मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो पीक हो जाएं। इट इज़ वेरी गुड टाइम पर गोल्ड प्राइसेस के फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो पीक हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आने वाले एक दो, आई थिंक मार्च तक इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि मार्च में ही उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे लग रहा है 12 महीने का जो साइकिल है वो मार्च के अंदर पूरा होगा। आई विल अपडेट यू, कुछ भी नया डेवलपमेंट होगा या कुछ भी बेट और कुछ होगा तो आई विल अपडेट इन वीडियोज़।
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले साल हमारे जो रेट हैं वो पीक हो जाएंगे, और इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगले साल के अंत तक, 2023 के अंत तक, हो सकता है फेडरल रिजर्व को रेट घटाने भी पड़ जाए। अब फेडरल रिजर्व कब रेट बढ़ाना कम बंद करेगा या घटाएगा, वो तो सारी की सारी मिस्ट्री जो है अगले साल ही सुलझेंगी। बट ये ध्यान रखिएगा, अगले साल गोल्ड के लिए थोड़ा सा बेटर रह सकता है। बाकी कुछ भी होगा तो वीडियोस में आपको पता चल ही जाएगा। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है इसने गोल्ड को। यह फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे ओपन हुई थी 20.99 के आसपास, 20.95 के आसपास, लेकिन बंद 21.45 के आसपास हुई है। थोड़ा सा माइल्ड एक अंड आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखाई दे रहा है सिल्वर के अंदर। बाकी आने वाले दिनों में देखते हैं क्या रहता है सिल्वर के चाल, क्योंकि गोल्ड के लिए अगला साल थोड़ा बेटर हो सकता है ऐसा हमें लग रहा है। बट अगले साल में क्या होता है, क्या चलता है, ये तो अगले आने वाले साल में पता चलेगा। बाकी सिल्वर के लिए अभी भी मार्केट पॉजिटिव जोन में है, आउट परफॉर्मेंस सिल्वर का जारी है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट सिल्वर का फटाफट देख लेते हैं। 1970 का सपोर्ट है, इसके नीचे अगर सिल्वर की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक्सपेक्ट कीजिएगा सिल्वर $19 और $18 तक जा सकती है। $22.50 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है $24 और $25 सिल्वर में दिख सकता है। फिलहाल दोनों मेटल्स यानी गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव जोन में है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे क्रूड ऑयल पे। लास्ट वीक भी मोर और लेस यही चार्ट की फॉर्मेशन थी हमारी, डबल बॉटम डबल टॉप जैसी स्थिति है। 93.50 का जो डबल टॉप बना हुआ है वो अभी भी बना हुआ है, बट एक नेक लाइन $75 के आसपास की अभी भी कायम है। तो अभी $75 तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, ये मेजर मूव डिसाइड करेगा। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका देख लेते हैं क्या क्या है। रेजिस्टेंस जो है $90 का है। अब इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि डबल टॉप का जो टॉप है वो तो 93.50 का है, तो रेजिस्टेंस $90 का क्यों दिया है? जरूर डबल टॉप का जो हाई है वो 93.50 का है, बट हमारा एक सेटअप अलग भी है जिसका रेजिस्टेंस $90 है। $90 के ऊपर इट इज पॉसिबल कि एक बार $93 को टेस्ट करें। बाकी मेजर जो एक बाइंग शुरू होगी, लॉन्ग टर्म बाइंग जो शुरू हो सकती है, वो ऑफकोर्स 93.50 के ऊपर ही शुरू होगी। बट यस, $90 के ऊपर एक 92-93 तक का स्पाइक इजिली आ सकता है। सपोर्ट हमारा $75 का है, $75 के नीचे तकरीबन $71 तक जा सकता है। दूसरा सपोर्ट $70 का है, $70 के नीचे $65 और $60 भी जा सकता है। क्रूड ऑयल का ट्रेंड फिलहाल वीक जोन में है, बट ध्यान रखिएगा इस वीक क्रूड ऑयल को दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट हैं। मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया $90, 93.50 दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा, तो मैंने लिखा नहीं है। $75 और $70 सपोर्ट है। MCX के लेवल मैंने मार्केट कमेंट्री चैनल पे डाल दूंगा अभी। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी, पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। लाइव डेटा का जो अपडेट होता है वो टेलीग्राम चैनल पे आता है और ट्विटर पे आता है, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मोहम्मद अरफात ऑफिशियल नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉबेबली मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।